सो गाइस कैसे हो सभी लोग, स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको कारफोर सेल की टॉप 10 ग्लिच के बारे में बताने वाला हूं, जिसे अगर आप जान लेते हो तो भाई आप अनलिमिटेड एक्सपी ले सकते हो, अपनी कार को फ्री में रिपेयर करवा सकते हो, और अगर ड्रैग रेस में एक निशान GTR आई है तो आप वहां से 3 निशान GTR जीत सकते हो। और हाँ भाई, इनमें से कुछ ग्लिच के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, तो आप लास्ट में कमेंट करके बता सकते हो कि आपको इनमें से कौन कौन से ग्लिच के बारे में पहले से पता थी। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। ग्लिच नंबर 1, जिससे तुम अपने एक्सपी को अनलिमिटेड बढ़ा सकते हो, उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, सुबह उठते ही भागते हुए अपने ऑफिस पर आओ और सामने जो भी ट्रैश दिखाई दे उसे उठा लेना है। आपको क्या करना है, जब वो बंदा लास्ट ट्रैश डाले ना तो उसके साथ तुम्हें डालना है, जिसे यहाँ पर देख सकते हो भाई पूरे 11 एक्सपी मुझे मिल चुके हैं। अगर तुम कार को बिना खरीदे एक्सपी बढ़ाना चाहते हो तो तुम ऐसे कर सकते हो, और जब ट्रैश खत्म हो जाए तो भाई तुम्हें क्या करना है, ड्रैग रेस करना है, जिससे तुम्हारा ऑफिस फिर से डर्टी हो जाएगा। आ करके सेम इसी तरह से कर करके भाई अपने एक्सपी को बढ़ा सकते हो। तो भाई देखो, आज के टाइम पे ना हर कोई कार के टायर पे जंप कर रहा है और हवा में उड़ रहा है, लेकिन अगर आप हवा में कम उड़ पा रहे हो तो इस ग्लिच की मदद से, मतलब ये एक ट्रिक मान लो, इस ट्रिक के मदद से आप हवा में काफी देर तक उड़ते रहोगे, मतलब बोर हो जाओगे भाई, सोचोगे यार जल्दी से मैं नीचे चला जाऊं। उसके लिए आपको इस वाले ट्रक के पास आना है जहां से हम अपनी गाड़ी की स्पीड टेस्ट करते हैं, यहां पर आना है और अपनी कार को, जो भी आपके पास कार है उसको कुछ इस तरह से पलटी कर देना है, जैसे कि यहां पर मैंने कर दिया, ठीक है। और यहां पर आपको बाहर निकलना है, और भाई मैं गलती से भाई ऊपर आ गया, अब यहां पर मैं काफी टाइम तक रुकने वाला हूं, तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा कट कर देता हूं, ठीक है। ओके गाइस, तो मैं आ गया वापस से नीचे। अब आपको क्या करना है, यहां पर आना है और इसके टायर पर, देख पा रहे हो, इसके टायर पर जंप करना है, और भाई तुम इतना ऊपर चले जाओगे ना भाई, काफी टाइम तक ऊपर रहने वाले हो, इसको ट्राई करना, काफी ज्यादा मजा आने वाला भाई। अगर आप इस गेम के मैप से बाहर जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको ये जो बॉर्डर लाइन है ना भाई, यहाँ पर लाके अपनी गाड़ी को चिपकाना है, जिस तरफ आप बैठे हो उसी तरफ ही आपको गेट रखना है, और बाहर निकलोगे तो भाई आप मैप के बाहर आ जाओगे, मतलब बॉर्डर के बाहर आ जाओगे, और बाहर की दुनिया में भी आप घूम सकते हो। ये देखो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ पर ये नकली ट्रीज वगैरह दिखाई दे रही हैं, और यहाँ से अगर आप अंदर जाओगे तो भाई ये देखो बाहर की दुनिया कुछ ऐसी है। हाँ मुझे पता है कि भाई इसके बारे में बहुत सारे लोग जान रहे हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं यार जिनको पता नहीं होता है, तो आप लोग ये देख लो। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी कार को लेके बाहर कैसे आ सकते हो मैप से बाहर। देखो गाइस, हमारा जो नेबरहुड वाला घर है ना, इसके पीछे भी दो रूम है और हमें दो ही रूम का एक्सेस मिला है, लेकिन आप उन दोनों रूम में भी जा सकते हो, आपको कुछ नहीं करना, अपनी कार को लेके जाना है भाई यहाँ पर कुछ इस तरह से, और इसमें ऐसे सटा देना है और बाहर निकल जाना है। जैसे आप बाहर निकलोगे तो आप इस वाले रूम के अंदर आ जाओगे, ये देखो इस रूम के अंदर कोई डोर नहीं है, आप कहीं भी नहीं जा सकते हो, और अगर आप बाहर निकलना चाहते हो तो भाई आके इससे गाड़ी में बैठ जाओ और आप बाहर निकल जाओगे। और यहाँ पर एक छोटा सा रूम और है जिसमें भी आप सेम इसी तरह से उसके अंदर भी आ सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से आप जो है रूम के अंदर घुस सकते हो, किसी भी रूम के अंदर घुस सकते हो, बस उसमें आपकी जो कार है वो चिपकनी चाहिए अच्छी तरीके से, एंड थोड़ा सा गैप है तो आप उसके अंदर नहीं जा सकते हो। हाँ तो गाइस, अगर आप अपनी कार को लेके मैप से बाहर जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर देखो कुछ ऐसे ना बने होते हैं छोटे छोटे पहाड़ टाइप, तो आपको क्या करना है भाई, अपनी कार को लेके जाना है और इसमें टक्कर मारना है, आप अपनी कार लेके हवा में उड़ जाओगे और लेके बाहर आ जाओगे। ये देखो जैसे कि मैं लेके आ चुका हूँ, तो सेम इसी तरह से ही आपको करना है। एंड अगर आप गाड़ी में बैठे बैठे भाई नीचे गिर जाते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, रिस्पॉन पॉइंट बटन दबाना है, बस गाड़ी से मत निकलना, अगर आप गाड़ी से निकल जाओगे तो भाई तुम्हारा गाड़ी समझ लो गई, अगर रिस्पॉन करोगे उसके बाद तो भाई केवल तुम आओगे, गाड़ी नहीं आएगी, वैसे बैठे बैठे ही तुम रिस्पॉन बटन को दबाना, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो मैं निशान GTR को लेके आ गया हूँ भाई मैप से बाहर, यहाँ पे लेके आ गया भाई ये हिमालय पर्वत के पास, और अगर मैं यहाँ से निकल के दिखाऊं तो ये देखो गाइस, ये रही अपनी निशान GTR और ये रहा हिमालय पर्वत। तो इस ग्लिच को ट्राई कर सकते हो, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, अपनी कार को लेके भाई मैप के बाहर भी तुम घूम सकते हो आराम से। और अगर तुम चाहते हो कि भाई तुम्हारी गाड़ी की जो स्पीड है भाई 2500 की स्पीड में जाए, तो तुम इस गाड़ी को लेके सीधा बाहर कूदा सकते हो। तो गाइस, हम सभी को पता है कि हमारे ऑफिस के बाहर ये ट्रैश आ जाती हैं, हर रोज भाई ये ट्रैश आ जाती हैं, और इस ट्रैश को अगर हम इस डिब्बे में डाल देते हैं तो भाई हमारी ऑफिस फुल क्लीन हो जाती है, लेकिन अगर हम इस ट्रैश को अपने ऑफिस के साइड में कुछ दूर ले जाके रख देंगे तो भी हमारी ऑफिस क्लीन नहीं होगी। यहाँ पर जो ऑप्शन आता है ना ऑफिस इज डर्टी, वो आता ही रहेगा भाई, यहाँ पर देखो। तो मैं इस ट्रैश को ला के भाई यहाँ पर मैंने ड्रॉप कर दिया है, और अभी देखो हमारा ऑफिस उतना दूर है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो ऑफिस इज डर्टी का ऑप्शन है वो खत्म नहीं हुआ और ना ही होगा, जब तक वो ट्रैश वहाँ पर पड़ा रहेगा, और उसको हम ला के जब तक हम इस डिब्बे में ना डाल दें तब तक हमारी ऑफिस क्लीन नहीं होगी। जब हमारी कार ब्रोक डाउन हो जाती है तो उसको जब तक हम अपनी रिपेयर शॉप पर ना लेके जाएं तब तक हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इस ग्लिच की मदद से अपनी ब्रोक डाउन कार को रिपेयर करवा सकते हो बिना एक भी रुपया खर्च किए।
तो यहाँ पर भाई मैंने अपनी निशान GTR को कर दिया है ब्रॉक डाउन। अब आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसी जगह पे कैसे इसको ठीक कर सकते हो। तो चलो भाई, उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कार से बाहर निकलना है और इसके बटन को दबाना है, अपनी गेम को सेव कर देना है। गेम को सेव करने के बाद आप आ जाओ मेन मेन्यू में, एंड मेन मेन्यू में आने के बाद आपको अपनी गेम को रिस्टार्ट करना है, मतलब यही से पूरा गेम कट नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, एंड जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आप वापस गेम के अंदर आ जाओगे। लेकिन अगर साउंड नहीं आ रहा तो आपको इसकी बटन दबाना है और उसके बाद साउंड वापस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी जो ब्रॉक डाउन कार थी वो रिपेयर हो चुकी है। सेम इसी तरह से आप किसी भी कार को रिपेयर करवा सकते हो, अगर ब्रॉक डाउन है तो रिपेयर करवा के उसको चला सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं भाई। हाँ तो गाइस आ जाओ अब हम आपको बताते हैं कि अगर ड्रैग रेस में एक निशान GTR आई है तो आप तीन निशान GTR कैसे जीत सकते हो। देखो अगर वहाँ पर तीन प्लेयर आए हैं तो आप तीन निशान GTR जीत सकते हो, और अगर दो प्लेयर आए हैं तो आप दो ही जीत सकते हो। तो वहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर एक स्टेशन वैगन है और एक है फरारी उस तरफ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो स्टेशन वैगन लेके आया है ना भाई, अगर यही पे निशान GTR है तो ही आप जीत सकते हो। तो चलो यहाँ पर देखो मैं इससे बैटिज कार कर देता हूँ, ठीक है, बैटिज कार यहाँ पर रेस कर देता हूँ, ठीक है। अब ये वाली कार तो मुझे मिलना ही है, ठीक है, लेकिन सामने जो फरारी है ना भाई वो भी स्टेशन वैगन हो जाएगी, अभी आप देखना। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर निशान GTR है तो सामने जो फरारी लेके आया भाई, जो भी कार होगी, मतलब फरारी छोड़ो जो भी कार होगी वो भी निशान GTR हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आपका रेस स्टार्ट होना तो आपको स्टार्ट होने का वेट नहीं करना, आपको अपनी गाड़ी भगा देना है। उसके बाद देखो आप यहाँ पर ये गाड़ी भी आपको मिल जाएगी और जो सामने वाली गाड़ी थी ना भाई वो भी मिल जाएगी। ये देखो गाइस यहाँ पर ये कार भी हमें मिल गई है और ये कार भी, और यहाँ पर देखो भाई ये कार भी स्टेशन वैगन हो गई है। अब इससे भी हम बैटिज कार कर सकते हैं, तो चलो भाई यहाँ पर इससे भी मैंने बैटिज कार कर दिया और अभी ये कार भी हमें मिल जाएगी। तो हमारे पास तीन तीन स्टेशन वैगन हो गए। सेम आपको ऐसे ही कर देना है, मतलब तुम अगर भाई रेस करने लग जाओगे तो हो सकता है कि तुम इसमें जीत ना पाओ तो अपनी कार को लॉस कर दो, तो इसके लिए आपको आगे बढ़ा देना है और ये एक ग्लिच हो जाएगा जिसकी वजह से सामने वाले का भी कार तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारा तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी हमारे पास हो गए पूरे तीन तीन स्टेशन वैगन। तो भाई इस ग्लिच की मदद से तुम किसी भी घर के छत पे जा सकते हो, बस आपको उस घर के अंदर लेके जाना है अपनी कार और वहां पर पलटी कर देना है। उसके बाद जैसे तुम उस कार के अंदर जाओगे तुम सीधा कार को लेके छत पे पहुंच जाओगे, ये देखो। तो भाई सेम इसी तरह से तुम किसी भी घर में ले जाके अपनी गाड़ी को पलटी करोगे तो तुम उसके छत पे चले जाओगे। यहाँ पर ऑटो पेंटिंग है ना, उसमें भी अगर कार ले जाके भाई पलटी करोगे तो उसके छत पे चले जाओगे, और वहाँ पर जो बंदा भाई मॉडिफिकेशन करता ना कार, वहाँ पर भी अगर कार पलटी करोगे तो तुम सीधा उसके छत पे चले जाओगे। और वहाँ पर मैंने एक कार भाई ऑलरेडी पार्क करके रखा है। तो तुम इस तरह से किसी भी घर के छत पे जा सकते हो, जरूरी नहीं कि यही भर, आप अपने ऑफिस पर भी जा सकते हो, ऑफिस में ले जाके भाई पलटी करो तो ऑफिस के छत पे तुम चले जाओगे, है ना, कमाल का ग्लिच। ये वाला ग्लिच भाई बहुत ही ज्यादा फनी है, इसके लिए तुम्हें एक ट्रक को लेना है या फिर तुम कैंपर भी ले सकते हो। उसके बाद तुम्हें उस ट्रक को रोड के सेंटर में एकदम खड़ी कर देना है, उसके बाद वहां से थोड़ा सा मतलब दूर चले जाना है, और जो गाड़ी आती है ना भाई वो सीधा तुम्हारे ट्रक में एकदम टक्कर मारेंगी भाई, मतलब ब्रेक भाई भूल जाओ भाई, ब्रेक वगैरह नहीं लगाते हैं, सीधा टक्कर मार देते हैं। इस ग्लिच को तुम अपने नेबरहुड वाले बंदों के साथ ट्राई कर सकते हो, क्योंकि भाई वो लोग होते हैं ना भाई बहुत ही तेज गाड़ी चलाते हैं, सीधा तुम्हारे ट्रक को उड़ाई देंगे। तो चलो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आई भाई इसको लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको इनमें से कौन कौन से ग्लिच पहले से पता थी। मुझे पता है भाई सारे लोग सभी सभी बोलेंगे, लेकिन भाई सभी तो नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें से मैंने कुछ ग्लिच ऐसे भी हैं जो खुद से ढूंढे, तो तुम लोग सही कमेंट करके बताना, मैं सारे कमेंट पढ़ने वाला हूँ आज। और हाँ सेकंड चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।